अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग सऊदी में काम करते हैं, बकरईद आ गया है और बकरईद का छुट्टी का ऐलान हो चुका है। इस साल बकरईद का आपको कितने दिन का छुट्टी मिलेगा? और इसके अलावा जो खबर आया है, जो लोग हज करने वाले हैं, जो लोग हज पे जाने वाले हैं, परमिट के बारे में। और इसके अलावा जो खबर आया है, 1 जुलाई से भारत सरकार ने कई ऐसी वस्तुओं पे प्रतिबंध लगाएगा जो कि आपको अभी अपने घरों में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन रहेगा आपको मिल सकेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करूंगा सऊदी के खबर न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि बकरईद आने वाला है और होलीडे के मौके पर सऊदी में जितने भी काम करने वाले होते हैं उनको छुट्टी मिलती है। जैसे ईद आता है तो उसमें छुट्टी मिलता है, बकरईद आता है तो उसमें छुट्टी मिलता है। हर साल की तरह इस साल भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी मंत्रालय ने बताया है कि इस साल जो बकरईद का छुट्टी रहेगा 4 दिन तक छुट्टी होगा, यानी आपको 4 दिन तक छुट्टी मिलेगा। और छुट्टी का जो तारीख शुरू होता है 8 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपको छुट्टी मिलेगी। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर के बारे में जो कि हज के हवाले से है। अगर आप हज करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ नियम, कुछ कानून का फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि जो व्यक्ति बिना हज परमिट के हज करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और जो व्यक्ति हज करने की इच्छुक में है तो सबसे पहले उसको हज परमिट लेना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना हज परमिट का हज करने के लिए जाता है तो पकड़े जाने पर आरोपी के ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भारत मंत्रालय का साफ कहना है, जो भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ में जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन जिन कंपनियों के पास माल स्टॉक में पड़ा है वो तो मुसीबत में आ जाएगी। शायद भारत सरकार ने इस पे आगे चल के कुछ चेंजेस कर सकता है। इस पे आपका क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना। तो आज का वीडियो यही पे हम समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।